વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. કોરોના વેક્સિનને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ઝાયડસ કેડિલામાં ઝાયકોવ ડીને લઈને પોતે નિરીક્ષણ કર્યું, જે બાદ ઝાયડસ કેડિલાના ચેરમેન પંકજ પટેલે નિવેદન આપ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે ઝાયડસની મુલાકાતને લઈને અમે વડાપ્રધાનના આભારી છીએ. રસીને લઈને અમે ઘણી ચર્ચાઓ આજે મુલાકાત દરમિયાન કરી. આજ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી અમારે ઝાયડસ બાયોટેક પાર્ક મેં આયે થે. उनकी ये मुलाकात के कारण हम बहुत प्रोत्साहित हुए हैं और उनके बहुत आभारी हैं. उन्होंने हमारे साइंटिफिक स्टाफ और हमारे साथ डिटेल में वैक्सीन के बारे में चर्चा की है और काफी सुझाव भी दिए हैं और हमें बहुत प्रोत्साहित किया है. आज भारत के आत्मनिर्भर भारत की सफर में ZYDUS के 25,000 एम्प्लॉई और 1,800 अविरत प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत को एक अच्छी वैक्सीन मिले, अच्छी शुश्रूषा के लिए दवाइयां मिले, जैसे कि हमने रेमडेसिविर सबसे सस्ते दाम में ऑफर किया है. इसी तरह डायग्नोस्टिक में भी काम करते रहेंगे. हम चाहते हैं कि भारत के सब नागरिक इस महामारी से सुरक्षित बाहर आए. आप सब हेल्दी रहें, आप सब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का कंटिन्यू करें और आप सबको खूब खूब